हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से फूड फन विद अलका में। फ्रेंड्स, सर्दियों में ड्राई फ्रूट किसे नहीं अच्छे लगते, और ऊपर से रोस्टेड अगर हम इन्हें घर में कर पाए तो कितना अच्छा होगा। तो आज हम देखते हैं कि माइक्रोवेव में सिर्फ 3 से 4 मिनट में हम लोग काजू और बादाम कैसे रोस्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोस्टेड बादाम बनाने के लिए सबसे पहले हमें जितने भी बादाम लेने हैं एक माइक्रोवेव बाउल में हम ले लेंगे। ये लगभग 1 कप बादाम मैंने लिए हैं। अब इनको थोड़ा सा पानी से गीला कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालना है। मिक्स कर लेंगे। अब इनके ऊपर हमें थोड़ा नमक, क्योंकि हम बना रहे हैं सॉल्टेड। अगर आप बिना सॉल्ट के, बिना स्पाइसेस के यूज करना चाहें तो बिना सॉल्ट के भी यूज कर सकते हैं। ये प्रोसेस स्किप कर दीजिए, सिर्फ पानी से गीला कर दें और सॉल्ट डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल रही हूँ। मिक्स इट वेल, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसे हम लोग माइक्रोवेव में रख देंगे। ये बॉल को हम अपने माइक्रोवेव में रख देंगे और माइक्रोवेव मोड पे एक बार में 1 मिनट के लिए स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हमें एक बार इसको स्टिर करना होगा। फ्रेंड्स, अब 1 मिनट बाद बॉल को माइक्रोवेव से निकालेंगे और एक बार अच्छे से हिला देंगे, और अब वापस 1 मिनट के लिए लगा देंगे माइक्रोवेव में। अगर हम ये बीच में हिलाने का प्रोसेस स्किप करेंगे और डायरेक्ट 2 से 3 मिनट्स के लिए लगाएंगे तो हो सकता है हमारे बादाम है वो जल जाएंगे। फ्रेंड्स, अब 2 मिनट के बाद हम लोग अपना बॉल बाहर निकाल दें, और ये थोड़ा सा गर्म है इसलिए बी केयरफुल। लेट्स सी, अभी तक गीले हैं तो अब हमें 30 सेकंड करके लगाएंगे, क्योंकि अब प्रोसीजर लगभग पूरा हो चुका है और एक बार में ज़्यादा लगाने से बादाम जल सकते हैं। तो अब हम इसको 30 सेकंड करके लगाएंगे, तब तक एक बार 30 सेकंड लगा के हमने निकाला है, और हम ये अपने बादाम रेडी हो चुके हैं। इसको पहचान करने के लिए आप इसको या तो तोड़ के देख सकते हैं, ये देखिए क्रैकिंग साउंड आ रहा है, या इसको पूरा तोड़ के देखें, क्योंकि अंदर से जल जाएगा अगर बीच बीच में किसी किसी बादाम पे इस तरह से क्रैक भी आ गया है। इसका मतलब कि अपने बादाम पूरे रोस्ट हो चुके हैं। इसको 5 मिनट ठंडा करें और इन्जॉय करें रोस्टेड बादाम। फ्रेंड्स, अब हम रोस्ट करेंगे काजू को। तो सबसे पहले काजू ले लिए माइक्रोवेव सेफ बाउल में, सेम प्रोसीजर, थोड़ा सा पानी लगा के, आप पानी की जगह ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मसाले अपने पसंद के, नमक, काली मिर्च, चाहे तो जलजीरा, और इवन दूसरा भी कोई भी फ्लेवर मसाला आप यूज कर सकते हैं। नमक, काली मिर्च, मिक्स इट वेल, माइक्रोवेव फॉर 1 मिनट। एक मिनट के बाद हम उसको निकाल के एक बार स्टिर करेंगे, उसके बाद वापस 1 मिनट, और उसके बाद 30 सेकेंड। 1 मिनट बाद बॉल को बाहर निकाल के स्टिर करना है एक बार, फिर से 1 मिनट लगाना है, और उसके बाद हम लोग 30 सेकंड में लगाएंगे। ये बाद में हम लोग 30 सेकंड इसलिए लगा रहे हैं कि जो ये आपका प्रोसीजर है, माइक्रोवेव के मॉडल, उसके पावर और जितना आपने अमाउंट लिया है उस पर डिपेंड करेगा। ज़्यादा अमाउंट है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, और कम अमाउंट है तो 2 मिनट में ही हो जाएंगे। 30 सेकंड के लिए हमें और लगाना है, लगभग 2.5 मिनट में हमारे काजू रोस्ट हो जाएंगे। लगभग 2.5 मिनट हमने लगाया है कुल, और अपना काजू रोस्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस सीजन आप एंजॉय कीजिए घर में रोस्ट किए हुए काजू और बादाम।